बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी की। बीजेपी के लौह पुरुष फिर को भवन में है। आडवाणी को मनाने में बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। खुद मोदी आज सुबह सुबह आडवाणी के घर जा पहुंचे, लेकिन आडवाणी की नाराजगी बरकरार है। कैसे मानेंगे रूठे आडवाणी? और इस बीच बड़ी खबर यही है कि मोदी आडवाणी के घर पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। कल रात मोदी ने संघ प्रमुख से भी मुलाकात की थी और संघ ने इस आपसी खींचतान पर नाराजगी जताते हुए जीत सुनिश्चित करने के लिए मिलजुल कर लड़ने की नसीहत दी थी। जिसके बाद मोदी आज सुबह आडवाणी के घर खुद पहुंचे थे। आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं और कल रात पांचवी लिस्ट गांधीनगर से आडवाणी के नाम का ऐलान हो चुका है। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आडवाणी को मनाने के लिए किस तरह कल रात से ही बैठकों का दौर जारी है। सुषमा गडकरी ने पहले आडवाणी से मुलाकात की और फिर उनके बाद राजनाथ सिंह के घर जाकर बैठक हुई है। और उधर मोदी और संघ प्रमुख की मुलाकात हुई, फिर अब से कुछ देर पहले मोदी और आडवाणी की बातचीत हुई है जो कि करीब एक घंटे तक चली है। लेकिन आपको हम बता दें कि बीजेपी के लौह पुरुष आडवाणी ने एन चुनाव के वक्त इसके साफ संकेत सिग्नल देखे भी जा रहे हैं। कल जिस तरह से बोर्ड की बैठक हुई, फिर चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद देर रात बैठकों का दौर चला, सुषमा गडकरी राजनाथ तमाम लोग मनाते दिखे लाल कृष्ण आडवाणी को। और आज आप दबाव समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी खुद आडवाणी को उनके घर मुलाकात करने पहुंचे हैं, मनाने पहुंचे हैं। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आडवाणी को मनाने उनके घर पर मोदी करीब एक घंटे तक रहे। न्यूज 24 संवाददाता मनीष कुमार वहीं आडवाणी के घर के बाहर मौजूद है और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, क्या मोदी आडवाणी को मनाने में कामयाब हुए, ये तो अभी तक साफ नहीं है। लेकिन आडवाणी से एक घंटे तक मुलाकात के बाद मोदी जब आडवाणी के घर से बाहर निकले तो मीडिया से बिना कुछ बात किए वहां से चले गए। और करीब एक घंटे चली मुलाकात के बाद बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं कि आडवाणी के घर से निकल रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है स्कॉर्पियो, उसमें वो आगे बैठे हुए हैं। यहाँ पे उनके वो हाथ जोड़े हुए लोगों का अभिवादन कर रहा और यहाँ से बीजेपी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी से मिलकर नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले। आप देख सकते हैं उनका काफिला यहाँ से जा रहा है, उनके सुरक्षाकर्मी उनको घेरे हुए हैं। अब क्या बातचीत हुई दोनों के बीच ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन मोदी जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं ये बात जो है कई बातें ये बता रही है। लेकिन जाहिर तौर पर वो मनाने के लिए आए थे लाल कृष्ण आडवाणी को, उनको मनाने के लिए कि वो गांधीनगर से ही चुनाव लड़े। पर सवाल उठता है कि लाल कृष्ण आडवाणी माने कि नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं कि करीब एक घंटे मुलाकात के बाद यहां से पृथ्वीराज रोड से लाल कृष्ण आडवाणी के घर से यहां से निकले। उनके तमाम सुरक्षाकर्मी जो है वो यहां से उनको यहां से लेकर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार करीब एक घंटे एलके आडवाणी से मुलाकात की, लेकिन ये बात साफ होना भी बाकी है कि क्या आडवाणी माने कि नहीं कि वो गांधीनगर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। तो मनीष कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे जिसमें नरेंद्र मोदी मुलाकात करके निकले हैं आडवाणी के घर से। एक घंटे तक यह मुलाकात चली, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक आडवाणी अभी भी नाराज है। बीजेपी नेता एलके आडवाणी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ये सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी ने आडवाणी के गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला सुना दिया है, लेकिन खबर यही है कि आडवाणी गांधीनगर जाने को तैयार नहीं है और वो भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं माना जा रहा है। कि और इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, जहां उन्हें संघ प्रमुख की नाराजगी झेलनी पड़ी है। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आडवाणी के घर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, सुषमा गडकरी भी पहुंचे थे और खींचतान पर संघ नाराज है। कल बातचीत हुई नरेंद्र मोदी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से, तो उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर इन चुनावों में एकजुट होकर बीजेपी को आगे बढ़ना है और इस तरह की खींचतान का सामने आना सीधे सीधे पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। और बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष, जाहिर तौर पर बीजेपी के लौह पुरुष आडवाणी नाराज चल रहे हैं और मनाने की हर कवायद नाकाम सी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अभी फिलहाल बीजेपी के सामने और संघ के सामने परेशानी बड़ी है, इसका हल कैसे निकालने की तैयारी है?
देखिए प्रीति, नरेंद्र मोदी करीब साढ़े आठ बजे यहाँ पे पहुंचे एल के आडवाणी। मैं पृथ्वीराज रोड लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर खड़ा हूँ और वो यहाँ पे करीब साढ़े आठ बजे पहुंचे। एक घंटे जो है मुलाकात आडवाणी के साथ उनकी हुई और जब मोदी जब एक घंटे बाद यहाँ से निकले तो काफी मुस्कुराते हुए निकले। अब ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि क्या आडवाणी मान गए, क्या वो गांधीनगर से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, क्या वो उन्होंने अपना जिद जो है वो हट जो है वो क्या छोड़ दिया है, ये साफ होना भी बाकी है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आडवाणी ने उनकी पूरी बातें सुनी और उन्होंने कुछ उनको आश्वासन ने फिलहाल नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल दो घंटे संघ मुख्यालय में जब वो मोदी वहां पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई, वहां पे संघ ने कहा मोदी को कि आप खुद पहल करिए, आडवाणी से मुलाकात करिए, उनसे जानिए और उनको समझिए, उनको मनाने की कोशिश कीजिए। जिसके बाद आज सुबह नरेंद्र मोदी खुद यहां पे पहुंचे और एक घंटे मुलाकात हुई और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मुलाकात कर हंसते हुए निकले यहां से, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आडवाणी थोड़े से नरम पड़े। लेकिन ये बात का खुलासा होना भी बाकी है। प्रीति, जैसा आप बता रहे हैं कि मुस्कुराकर नरेंद्र मोदी जरूर वहां से निकले, लेकिन उस मुस्कुराहट के मायने क्या है ये अभी समझना बहुत दिलचस्प होगा। चुनाव दरवाजे पर है और ऐसे में जिस तरह से आडवाणी ने जिद ठान ली है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। छवि बीजेपी की और भविष्य बीजेपी का नजरअंदाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता एल के आडवाणी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी ने आडवाणी के गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला सुना दिया है, लेकिन खबर है कि आडवाणी गांधीनगर जाने को तैयार नहीं है और वो भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। माना ये जा रहा है कि इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, जहां उन्हें संघ प्रमुख की नाराजगी झेलनी पड़ी। हर संकट और हर मुश्किल में झंडेवाला के आरएसएस मुख्यालय की चौखट पर ही बीजेपी को सहारा मिला है और इसी सहारे की आस में नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलकर निकले। उधर आडवाणी के घर पर भी उन्हें मनाने का सिलसिला जारी था। संघ मुख्यालय से लेकर आडवाणी के बंगले तक बीजेपी नेताओं की इस गहमागहमी में अहम सवाल था कि आखिर गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के लौह पुरुष को मनाए कौन। आखिर आडवाणी क्यों भोपाल से चुनाव लड़ने पर अडिग है और बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कमेटी की बात सुनने को तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी के घर जाकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिशें बीजेपी नेता नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज ने की, तो खुद अपना फैसला नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुनाया। बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख से मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि जैसे मुरली मनोहर जोशी ने पार्टी के फैसले को सरमाथे से लगाया, उसी तरह से आडवाणी भी गांधीनगर से चुनाव लड़ने के फैसले पर राजी हो जाएं। सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत ने मोदी की बात सुनी, इस बात पर नाराजगी जताई कि बीजेपी के अंदरूनी सवाल मीडिया के जरिए चर्चा में क्यों लाए जा रहे हैं। हालांकि मोदी को ये कहकर राहत भी दी कि वो आडवाणी से बात कर मसले का हल निकाल लेंगे। इससे पहले आडवाणी न पार्टी की संसदीय बोर्ड और चुनाव कमेटी की बैठक में शामिल हुए और न ही गडकरी और सुषमा के मनाने की कोशिशों पर पिघले। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में आडवाणी के भोपाल सीट से लड़ने के फैसले का नरेंद्र मोदी ने खुद विरोध किया और साफ कहा कि जब गुजरात बीजेपी ने गांधीनगर से उन्हीं का एक नाम प्रस्तावित किया है तो आडवाणी को पार्टी का फैसला मानना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सुषमा स्वराज ने आडवाणी के भोपाल से लड़ने की वकालत की, बावजूद इसके विरोध दरकिनार कर दिया गया और आडवाणी के न चाहते हुए भी दिल्ली से गुजरात तक उनके नाम का ऐलान हो गया। गांधीनगर से श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी, बड़ोदरा से श्री नरेंद्र जी मोदी। गुजरात के पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कशन हुआ, उसमें सभी लोगों ने एक मत होकर एक राय होकर कि भी आडवाणी जी हमारे सदैव नेता है, गांधीनगर सिटिंग एमपी है और गांधीनगर से ही चुनाव लड़े। आडवाणी की भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की जिद के पीछे गांधीनगर में भीतरघात की आशंकाओं को भी एक वजह बताया जा रहा है। आडवाणी पहले गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मोदी की पीएम उम्मीदवारी की खिलाफत के सवाल पर उन्हें डर है कि गांधीनगर के नतीजे उनके खिलाफ जा सकते हैं, इसलिए शिवराज के सूबे से आडवाणी खुद का सियासी भविष्य सुरक्षित समझ रहे हैं। सवाल है कि चुनावी वक्त में आडवाणी और मोदी के बीच पैदा हुई ये खाई अगर ज्यादा चौड़ी हो गई तो बीजेपी की चुनावी रणनीति पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर तौर पर बीजेपी के रणनीतिकारों के माथे पर बल पड़ गए हैं और आरएसएस के रणनीतिकार बीच का रास्ता निकालने में जुट गए हैं। अमित कुमार के साथ राजीव रंजन, दिल्ली न्यूज 24।
तो हम आपको बता रहे हैं कैसे आडवाणी को मनाने के लिए लगातार कवायद जारी है। इस बीच हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से अमित कुमार जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ प्रवीण दुबे भोपाल से जुड़ रहे हैं, जहां से लालकृष्ण आडवाणी की दावेदारी की जा रही है कि वो वहां से चुनाव लड़े, वो ऐसा चाहते हैं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, गांधीनगर में क्या कुछ हो रहा है वो समझने के लिए। आपको बता दें कि अमित कुमार आडवाणी के घर पर मौजूद है, घर के बाहर, जहां पर थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी मुलाकात करके वहां से गए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती किसी भी तरह से आडवाणी को मनाने की है अमित, लेकिन फिलहाल जो सिलसिले चल रहे हैं मुलाकातों के, उससे लग नहीं रहा कि आडवाणी मानने वाले हैं। और ऐसे में न संघ हो या फिर बीजेपी हो, उन्हें बहुत ज्यादा सक्रिय होते हुए हम देख रहे हैं। देखिए, कल जब इस लालकृष्ण आडवाणी पर मसले पर नरेंद्र मोदी मिलने गए थे मोहन भागवत से, तब उस वक्त मोहन भागवत काफी नाराज थे। पार्टी के भीतर बड़े नेताओं के बीच जो खींचतान चल रही है उससे काफी नाराज थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब वक्त है पार्टी पूरी एकजुट होकर चुनावी लड़ाई लड़ने की, उस समय बड़े नेता आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने नरेंद्र मोदी को नसीहत दी कि आप पूरी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए तैयारी की कोशिश करें, ना कि आपस की जो नेताओं की खींचतान हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी पार्टी, पूरा संघ जो है वो नरेंद्र आपके साथ खड़ी है, लेकिन जरूरी है कि पूरी बीजेपी को साथ ले, और ये काम आपको करना है क्योंकि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और इसी के बाद उन्होंने सख्त हिदायत दी, आप कह सकते हैं एक तरह से नसीहत दी गई है कि आप जो भी नाराज नेता है उन्हें साथ लाएं, उन्हें ऑनबोर्ड करें, स्पेशली लालकृष्ण आडवाणी को, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी से है, बहुत ज्यादा गुजरात बीजेपी से है। क्योंकि जब लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि वो गांधीनगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब ना तो नरेंद्र मोदी ने ना ही गुजरात बीजेपी यूनिट ने कोई पॉजिटिव साइन दिया था। ऐसे में ये समझाने बुझाने का काम अब नरेंद्र मोदी खुद करना पड़ेगा, और इसके बाद ही नरेंद्र मोदी आज सुबह आए हैं समझाने का। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी, जो अंदर खाने की खबर आ रही है कि लालकृष्ण आडवाणी ने धन्यवाद दिया कि मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों यूनिट ने हमें उम्मीदवार बनाने की कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी खुद की जो इच्छा है उसको तवज्जो दी जाए, ना कि गुजरात यूनिट या मध्य प्रदेश यूनिट। बड़े अंदाज में नरेंद्र मोदी वहां से निकले, जरूर है चाहते हैं, मुस्कुराहट का मतलब क्या है अमित, ये भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन प्रवीण दुबे का रुख कर लेते हैं, भोपाल से चाहते हैं आडवाणी की उन्हें इस बार टिकट दिया जाए, खुद शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं, और साथ ही साथ भोपाल के जो सांसद हैं कैलाश जोशी वो भी चाहते हैं प्रवीण। लेकिन फिलहाल भोपाल से क्या तस्वीरें सामने आ रही है, लोग कितने उत्सुक हैं, खासतौर पर बीजेपी के वो कार्यकर्ता जो चाहते हैं कि भोपाल, सुषमा स्वराज पहुंचिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी प्रवीण। इस बीच अमित कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमित आप देखिए, आप देखिए सुषमा स्वराज अभी तुरंत पहुंची है आडवाणी के घर पर, अंदर गाड़ी उनकी जा रही है। सुषमा स्वराज जब थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी से निकले हैं, इसके बाद सुषमा स्वराज आ रही है, और ये कमान जो है सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी को सौंपा गया था कि वो किसी तरह से लालकृष्ण आडवाणी को मनाए। और कहा भी जाता है कि अभी की जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, उसमें सबसे ज्यादा आडवाणी के अगर नजदीक कोई है तो वो सुषमा स्वराज है, और इसीलिए सुषमा स्वराज को ये कमान सौंपा गया था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो भी फैसला हुआ है और जो भी तय गांधीनगर से चुनाव लड़ने की बात है, इसको मनाने का काम सुषमा स्वराज की होगा। कल रात सुषमा स्वराज थी, जहां पर सुषमा स्वराज को लालकृष्ण आडवाणी ने यह कहा था कि वो मध्य प्रदेश और गुजरात यूनिट की जो भावना है उसको सम्मान करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भोपाल से लड़े। तो इसके बाद जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एक बार फिर सुषमा स्वराज यहां पहुंची है, और यहां पहुंच के नरेंद्र लालकृष्ण आडवाणी को समझाने की कोशिश करेगी कि पूरी पार्टी, पूरा संघ चाहता है कि आप गांधीनगर से लड़े। अब देखना होगा कि किस तरह से मानते हैं लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन अमित यहाँ पर यह भी समझना बहुत दिलचस्प है, कल तक जब आडवाणी नहीं पहुंचे थे बोर्ड की बैठक में, चुनाव समिति की बैठक में, तब ये कहा जा रहा था क्योंकि उन्हीं के बारे में फैसला होना है इसीलिए वो नहीं पहुंच रहे हैं। क्या वाकई में बात इतनी ही सीधी है जितनी कही जा रही है? देखिए, जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। अगर इतनी सीधी होती तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो फैसला हो गया था कि लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर चुनाव लड़ेंगे, तो इसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में लालकृष्ण आडवाणी को मौजूद होना था, लेकिन निश्चित तौर पर जो ये मैसेज उनको कन्वे किया गया कि गांधीनगर से लड़ने को लेकर पूरी पार्टी, पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड सहमत है, इसके बावजूद वो नहीं है। इसके मतलब साफ है कि वो नाराज थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से वो गांधीनगर दोबारा जाए। उनका वो इस बात को लेकर उन्हें काफी ठेस पहुंचा है, उन्हें दुख हुआ है कि जिस तरह से गुजरात यूनिट और नरेंद्र मोदी ने उनकी सीट को लेकर एक माहौल बनाया है, उसको लेकर वो काफी दुखी थे। और जब मध्य प्रदेश यूनिट से उन्हें बहुत ज्यादा ऑफर्स आए हैं, खास तौर से शिवराज सिंह चौहान ने खुद उन्हें कहा कि आप भोपाल से आए, तो उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि वो अब भोपाल से लड़ेंगे। तो अमित आप हमारे साथ बने रहिए, प्रवीण आपके पास भी आऊंगी, और साथ ही साथ भूपेंद्र मैं आपका भी रुख करूंगी। लेकिन इस बीच कैसे इस पूरे घटनाक्रम पर
खुद कांग्रेस चुटकी लेती दिख रही है। देखिए नाराज आडवाणी को लेकर बीजेपी की ओर से तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन टिकट को लेकर बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस के नेता मोदी पर निशाना साध रहे हैं। अर्जुन मोटवाड़िया ने कहा है कि मोदी खुद तो दो दो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो आडवाणी को उनकी पसंद की सीट नहीं दे रहे। वहीं रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि मोदी इसी तरह अपने वरिष्ठों को कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं। जियो आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को दो सीट में से बढ़ाकर आज इसी लेवल पे लाए, और नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक जीवन है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो वो आडवाणी जी का रहा। उस आडवाणी जी को आज तक तो अपमानित करते रहे, लेकिन आज उनको अपनी चॉइस की सीट भी देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उनको मजबूर किया गया है कि आप गुजरात में आए और मोदी जी का हाथ पांव पकड़ के ही आप लोकसभा में जा सकते हैं, इतनी हद तक मजबूर कर दिया है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है वो चरित्र इस लिस्ट में बाहर आया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से फासिसी तरीके से मोदी जी ने अपने अलावा सबको मारने की कोशिश की, वहाँ जैसे बुजुर्ग नेताओं का कोई सम्मान नहीं है, वहाँ पर मनमाने ढंग से कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे मन आ रहा है वो लोग पार्टी को चला रहे हैं, तो वहाँ तो एक तंत्र स्थापित हो चुका है। उस पार्टी के बारे में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने में जो अपना पार्टी के कामों में बिजी हैं और हमें टिकट लखनऊ से मिला, हम लड़ रहे हैं, लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह का मजाक इस पार्टी में हो रहा है। जब आज सत्ता में नहीं है तब तो ये बुरा हाल है, और अगर कहीं ऊपर वाला ना कहीं सत्ता हाथ में आ गई तो मुझे तो लगता है फिर आपस में कत्ल ना कर लें। तो